भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार रामनाथ आज सचखंड श्री हरमंदिर साहब नमस्तक हुए। उनके साथ पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस नेता राणा गुरजीत सिंह और टोमी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान प्रोफेसर कृपाल सिंह बंडूंगर भी शामिल रहे थे। वहीं राष्ट्रपति की ओर से पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका गया और गुरबाणी रस श्रवण किया। वहीं राष्ट्रपति के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से राष्ट्रपति को सम्मानित भी किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति की ओर से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रजिस्टर्ड बुक में नाम लिखा गया कि उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और अपने आप को सौभाग्यशाली समझकर उनके बाद राष्ट्रपति जलियांवाला बाग की ओर से दुर्गियाना मंदिर की ओर से रवाना हो गए। इससे कैमरामैन के साथ मुकेश मेहरा, सबसे फास्ट आमने सामने।